हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास सिक्स के एक्सरसाइज 1.3 है, उसमें हमें रोमन नंबर लिखने हैं। तो रोमन नंबर लिखने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो जनरल हमारे नंबर हैं उनके हमारे सिंबल क्या होते हैं, जैसे कि वन है, वन को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, टेन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, 50 को L से रिप्रेजेंट करते हैं, 100 को C से, 500 को D से और 1000 को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें एक नंबर दिया है 38 और उसका हमें रोमन नंबर लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे, इस चीज़ को देख लेते हैं। देखो, हम 30 को कैसे लिख सकते हैं। 30 को हम लिख सकते हैं एक्स एक्स एक्स, ये हमारा 30 हुआ, 10 10 10। इसके बाद हमें लिखना है 8, तो 8 हमारा बनेगा 5 और 3 को ऐड करके, तो 5 1 2 3, तो ये हमारा हो गया 38। अब करना कैसे है, जैसे आपने कोई नंबर लिखा, उसके आगे की साइड अगर कोई नंबर लिखते हो आप तो जुड़ जाता है, और अगर पीछे की साइड लिखते हो कोई नंबर तो उसमें से माइनस हो जाता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो हमें दिया है 89, ये लिखना है हमें, ठीक। तो 80 लिखने के लिए हमें एक तो 50 की ज़रूरत पड़ेगी, तो L 50 हुआ और 30 हमारा 3 बार X आ जाएगा, तो ये हमारा 80 हो गया। अब हमें लिखना है 9। देखो, 10 का हमें पता है कि x होता है, अगर हम x के आगे एक लगाएंगे तो ये 11 हो जाएगा, फिर ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 8 है, 10 है, और 10 में से हमें एक नंबर कम करना है, तो हम एक नंबर इसके इस तरफ रखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 लिखेंगे हम i और x। इस तरीके से हमें ये जो रोमन हिंदू अरेबिक नंबर है इनको रोमन नंबर में कन्वर्ट करना होता है। आपने रोमन नंबर इससे पिछली कक्षाओं में 3rd 4th 5th में भी पढ़ रखे हैं। तो अब जो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन रोमन नंबर। आपको जिस तरीके से मैंने ऊपर लिखे दिखाए हैं, इसी तरीके से आपको जो ये नंबर दिए गए हैं इनको आपको जो है रोमन नंबर में लिखना है। इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपने हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन नंबर में लिखा था, अब दूसरा है हमारा कि रोमन नंबर को हिंदू अरेबिक नंबर में लिखिए। इसका ए पार्ट दिया है एक्स और वी, इसको आपको लिखना है। तो एक्स होता है हमारा 10 और वी होता है 15, तो 10 और 5 ये हो गया हमारा 15, ठीक है। इस तरीके से आपको ये लिखने हैं, ये बाकी के पार्ट आपको अपने आप ही करने हैं।